हेलो दोस्तों, डीके थ्री होम डिज़ाइन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मेरा नाम डीके लोनकर है और मैं आपके लिए नए नए प्लान्स, नए नए डिज़ाइंस इस चैनल पर लाते रहता हूँ। तो आज भी आपके लिए एक बढ़िया सा प्लान लाया हूँ जिसका डिटेल मैं आपको समझाऊंगा। प्लान की तरफ बढ़ने से पहले यहाँ पर स्क्रीन पर जो है हमारे ऑफिस का नंबर है, अगर आपको भी प्लान की या डिज़ाइन की ज़रूरत है तो आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। लेकिन हम जो भी सर्विस देते हैं उसके नॉमिनल चार्जेस होते हैं, वो चार्जेस जो है आपको ऑनलाइन पे करना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, आज का प्लान जो है हमने क्लाइंट के लिए बनाया था, क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया था, उनकी चॉइस के हिसाब से बनाया था। तो 36 फीट 9 इंच बाय 52 फीट का हमारा आज का प्लॉट का एरिया है, मतलब 36 फीट 9 इंच बाय 52 फीट का। और जिसमें देखेंगे तो ये जो इस साइड में हमारा रोड है और इस साइड में भी हमारा रोड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक मेन गेट बताया है और यहाँ पर हमने 5 फीट की जगह छोड़ी है, ऑफसेट छोड़ा है वेंटिलेशन के हिसाब से और रोड की साइड के हिसाब से। तो यहाँ पर छोटे छोटे प्लांट्स वगैरह भी लगा सकते हैं। पीछे साइड में 3 फीट का ऑफसेट छोड़ा है, 3 फीट का, और इस साइड में वॉश एरिया के लिए 4 फीट का ऑफसेट छोड़ा गया है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 4 फीट का ऑफसेट छोड़ा गया है और यहाँ पर लगभग 5 फीट 9 इंच का ऑफसेट छोड़ा गया है। तो एक क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया था। यहाँ पर मेन रोड है, मेन रोड से हम एंट्री करेंगे, यहाँ पे हमें पार्किंग के लिए जगह मिलती है। इसे थोड़ा सा जूम करके बताता हूँ ताकि आपको डायमेंशन और भी क्लियर नज़र आ जाए। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्किंग के लिए जगह छोड़ी गई है, लगभग 12 फीट 7 इंच बाय 14 फीट 8 इंच का इस पार्किंग का साइज़ है, मतलब 12 फीट 7 इंच बाय 14 फीट 8 इंच का। कार भी पार्क हो सकती है, उसके बाजू में बाइक वगैरह पार्क हो सकती है। उसके बाद में 5 फीट 9 इंच का यहाँ पे गार्डन के लिए छोटा सा पैसेज छोड़ा गया है। उसके बाद में स्टेपचर के इस वरांडे पर पहुँच जाएंगे और यहाँ से एंट्री करेंगे हम इस लिविंग रूम में। 13 फीट 3 इंच बाय 19 फीट 10 इंच का इस लिविंग रूम का साइज़ है, मतलब काफ़ी बढ़िया साइज़ है, लगभग 13 फीट 3 इंच बाय 19 फीट 10 इंच का, मतलब लगभग 20 फीट का, 13 फीट बाय 20 फीट का, काफ़ी बढ़िया प्लान है। उसके बाद में ये ओपन किचन है जो डायरेक्टली लिविंग रूम से हमें नज़र आ जाएगा, यहाँ पे हमारा डाइनिंग रहेगा। और किचन का साइज़ हमें मिल रहा है लगभग 14 फीट का लेंथ में मिल रहा है। और उसके बाद में इस किचन को एक डोर भी दिया है इस साइड में, इस वॉश एरिया को यूज़ करने के लिए। देखिए यहाँ पर जो है 4 फीट का ऑफसेट छोड़ा गया है, जो वॉश एरिया के लिए छोड़ा गया है। और यहाँ पे एक छोटा सा पूजा रूम भी दिया है और इस किचन को एक अटैच एक छोटा सा स्टोर रूम भी दिया गया है, लगभग 5 फीट बाय 6 फीट 8 इंच का। उसके बाद में ये स्टेप जो है इस लिविंग रूम से स्टार्ट होती है, यहाँ से हमारी स्टेयर स्टार्ट होती है और हम यू टर्न करके फर्स्ट फ्लोर पर पहुँच जाते हैं, मतलब ऊपर की मंजिल पर पहुँच जाएंगे। और आप देख सकते हैं अगर ऊपर का फ्लोर आपको रेंट के हिसाब से देना है तो स्टेयर के किस टाइप में यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने यहाँ पर एक स्टेप दी है, मतलब ये स्टेप जो है यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। देखिए मेन गेट से हम एंट्री करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ से जो हमारी ऊपर फैमिली जो रेंट रहेगी वो यहाँ से आ जाएंगे और ये स्टेप चढ़ के इस लैंडिंग पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से फिर वो ऊपर की मंजिल पर चले जाएंगे और यहाँ पर जो है हम छोटा सा एक गेट लगा देंगे ताकि इनकी एंट्री जो है इस साइड में ना हो, मतलब जो अंदर ना हो, ठीक है। अगर हमको एंट्री करना है, ऊपर जाना है, तो हम ये गेट खोल के यहाँ पर जो छोटा गेट रहेगा ये गेट ओपन करके हम ऊपर जा सकते हैं। और जो ऊपर की फैमिली जो है रेंट के हिसाब से रहने वाली, उनको जाना है तो वो यहाँ से आ जाएगी और यहाँ पर इस लैंडिंग के चढ़ पे यहाँ से ऊपर चल जाएगी, ठीक है। मतलब हमारे नीचे वाली फैमिली को कोई भी डिस्टर्ब नहीं होगा। तो इस टाइप में ये 2 इन 1 स्टेयर के जो हमने एडजस्ट किया है। बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बेडरूम है 10 फीट बाय 12 फीट का, मतलब 12 फीट बाय 10 फीट का इस बेडरूम का साइज़ है। दो विंडोज बताए गए हैं तो दो विंडोज की वजह से इस बेडरूम को काफ़ी बढ़िया और बेहतरीन वेंटिलेशन मिलने वाला है। और इस साइड में देख सकते हैं हमारा एक मास्टर बेडरूम है, 12 फीट बाय 12 फीट का इस बेडरूम का साइज़ है और इसे एक अटैच टॉयलेट बाथरूम भी दिया है अंदर की साइड में। और बाहर देख सकते हैं बाहर एक कॉमन टॉयलेट बाथरूम दिया है जो इस लिविंग रूम वाले, किचन वाले और ये बेडरूम वाले भी यूज़ कर सकते हैं। 7 फीट बाय 4 फीट का एक अटैच टॉयलेट बाथरूम दिया है। तो इस टाइप में 36 फीट 9 इंच बाय 52 फीट में यह पूरा प्लान हमने बिठाया था। आशा करता हूँ कि प्लान जो है आपको डिटेल में समझ में आया और पसंद भी आया है। तो इस वीडियो को देखने के लिए, आपने जो आपका कीमती समय दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।